बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने की बजाय कुछ लोग उन्हें क्षति पहुंचाने में लगे हैं। ऐसा ही मामला सोलन शहर के बाईपास पर शुक्रवार सुबह सामने आया, जहां एक युवक ने आवारा बैल पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत आग को बुझाकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सोलन में एक युवक ने बेसहारा बैल के ऊपर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने तुरंत आग को बुझाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक 18 वर्षीय नेपाली मूल के युवक द्वारा ये घृणित कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने एनिमल क्रुएलिटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और घायल बैल का उपचार करवाकर उसे गौशाला भेज दिया। हमें लगभग 11:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि यहाँ कथेड़ के पास किसी व्यक्ति ने एक बैल जो कि आवारा है उस पे तेल छिड़क के उसको आग लगा दी है। तो इस पे आईओ जो है जांच के लिए इमीडिएटली स्पॉट पे गया टीम लेके, तो जांच पे पाया गया कि एक लड़का है जिसका नाम अंकुश है और ये नेपाल का रहने वाला है, 18 ईयर्स ओल्ड है। ये यहाँ पे किसी वर्कशॉप में काम करता है और इन्होंने कुछ गायें पाल रखी हैं, वहां पे ये बैल आया होगा और इसने जो है उस बैल के बैक साइड पे पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी, जिससे बैल को काफी इंजरीज हो गई है, बर्न इंजरीज। वहां पे स्थानीय लोगों ने इसको जो है आग को बुझाया और इस बैल की मेडिकल जांच करवाई गई है वेटनरी डॉक्टर से, एमएलसी उसी करवाई गई है और उसके बाद ये जो बैल है इसको सुरक्षित गौशाला जो यहाँ हमारा सब्जी मंडी के पास है उसमें डिपॉजिट करवा दिया गया है। और इसमें पुलिस ने एक जो आई विटनेस है उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है 429 और 11 क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत और इस व्यक्ति को डिटेन कर लिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।